प्रमाण पत्र में भर लिखाने के लिए हो जाएगा कि हम गोंड हैं, गोंड का खून है, गोंड की कुंभ है, तो हमें इस आंदोलन में आगे आना पड़ेगा, इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। गोंडवाना आंदोलन एक ऐसा आंदोलन नहीं है जिसमें हम सभी चुपचाप बैठे रहे। ये आंदोलन जल, जंगल, जमीन, आदिवासियों का अधिकार, पांचवी छठवीं अनुसूची, ये आंदोलन ऐसा वैसा आंदोलन नहीं है। मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन में आइए और सहयोगी बनिए। जिस ओर जवानी जाती है दोस्तों, उस ओर जवाना जाता है। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आइए हम सभी लोग गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से हमारी समाज में हो रही कुरीतियों और को समाप्त करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन पूरे इंडिया में छात्रों के हित में काम कर रहा है। आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। आप सभी दर्शकों को सभी के चरणों में मेरा सेवा जोहार। आइए आप भी अपने खुद की लड़ाई अपन स्वयं लड़ते हैं, हम कब तक दूसरों की मदद लेंगे। आज यदि हम आगे नहीं आए तो आने वाला हमारा जनरेशन, हमारी जो पीढ़ी होगी वो पूरी खत्म हो जाएगी। यदि हमें अपनी लड़ाई लड़ना सीखना पड़ेगा तब हम कुछ कर पाएंगे। आज तो हमारा आदिवासी कहने लायक का कुछ नहीं बचा है दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा एट्रोसिटी एक्ट समाप्त किया जा रहा है। हमारी पांचवी अनुसूची जहां लागू करना था वहां लागू नहीं किया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचा जा रहा है। हम ऐसे कैसे देख सकते हैं? यदि हमें अब कुछ करना है तो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से हम उसके बैनर तले हमारे आदिवासी समाज को एक सही दिशा दिलाने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। आने वाला हमारा जो भविष्य होगा, आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी, हम उसको कुछ दे सकते हैं। यदि हमारा आने वाला भविष्य खत्म हो जाएगा दोस्तों, आइए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की हम तन और मन धन से सहयोग करें और आने वाला समय हमारा होगा, आपका होगा। दोस्तों आज समाज में कई प्रकार की बुराइयां है, यदि हमें बुराइयों को दूर करना है तो हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, नहीं तो हमारे ऊपर ब्राह्मणवाद पूरा फैला हुआ है। ब्राह्मणवाद के चंगुल में हैं हम, उसमें उसकी जंजीर में जकड़े हुए हैं हम। उस जंजीर से हमें निकलना पड़ेगा तब हमारा समाज एक समृद्ध समाज बनेगा। क्यों हमारा समाज पीछे है? क्यों हमें उस लेवल की शिक्षा नहीं मिलती है? क्यों हमें एमपी लेवल की शिक्षा में ही सबमिट कर रख दिया जाता है? क्यों हम एमपी लेवल से ऊपर की परीक्षा क्यों पास नहीं कर पाते? क्यों हमारे आदिवासी भाई आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर इस पद पर क्यों नहीं बन पाते, इस पद पर क्यों नहीं पहुंच पाते? इस बात को हमें समझना पड़ेगा। समझने के साथ हमें हमारे समाज को जगाना पड़ेगा। हमारा जो समाज है, हमारा समाज जो है संस्कृति, हमारी जो परंपरा है उसको सब भूल रहा है। हिंदूवाद में चला गया है, ब्राह्मणवाद में चला गया है, ब्राह्मणवाद को अपनाने लगा है। हमारा समाज अपना धर्म, गोंडी संस्कृति सब भूल चुका है। आज हमारे जैसे पढ़े लिखे युवा यदि इस मूवमेंट में आते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा राज होगा, जब हमारा गोंडवाना गणराज आएगा। दोस्तों बहुत दुख की बात होती है जब हमारा समाज दूसरे के घर काम में जाता है। कभी हम इस देश के राजाओं की पूर्वज कहलाया करते थे, हमारे पूर्वज हुआ करते थे। हमारे राज्यों में सोने के सिक्के चला करते थे, आज वो कुछ नहीं है। हमारे महल अटारी चीख चीख बोल रहे हैं कि गोंडों का राज था, गोंडों का राज था, पर हमारे
पढ़े लिखे कुछ युवा भटक रहे, दूसरे रास्ते जा रहे, हमें उनको समझाना पड़ेगा, हम उनको हमारे मूवमेंट में लाना पड़ेगा। हम कैसे लाए मूवमेंट में, कैसे जोड़े हम उनको इस मूवमेंट से? यदि हमें उस मूवमेंट में लाना है उनको, यदि गोंडवाना मूवमेंट से जोड़ना है, तो हमें उनको कोया पुनिम की जानकारी देना चाहिए, और साथ ही साथ संविधान जिसमें हमें अधिकार मिला है, जिसके वजह से आज हम बोल पा रहे हैं, जिसके वजह से आज हम पढ़ पा रहे हैं, उस संविधान को हमें पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने बहुत मेहनत से संविधान लिखा है, हमें उस संविधान की रक्षा करना पड़ेगा, तब हमारा समाज समृद्ध समाज बनेगा। कहने और लिखने से कुछ नहीं होता है। मैंने देखा हूँ फेसबुक और व्हाट्सएप में, कुछ लोग फेसबुक और व्हाट्सएप में, मैं गोंड हूँ, मैं गोंड का खून हूँ, इतना लिख देते, कह देते हैं, आप कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। ऐसा कहने से काम नहीं चलता। आज हमें हमारा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। 4G का जमाना है, आज हमें हमारा इतिहास सर्च करो, इतिहास का हमारा पुराण पढ़ो, संविधान पढ़ो, तब हमारा समाज समृद्ध समाज बनेगा। नहीं तो आने वाला समय हमारा नहीं होगा। हम अभी दूसरे के गुलाम हैं। पढ़ा लिखा लोग नौकरी कर रहा है, और जो अनपढ़ है वो हमारे ऊपर राज कर रहे है। ये बात को हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने खुद की लड़ाई स्वयं को लड़ना पड़ेगा, तब हमारा समाज समृद्ध समाज बनेगा। हम बड़े बड़े मंच के माध्यम से 5वीं और 6वीं अनुसूची की मांग करते हैं, पर हमें खुद 5वीं 6वीं अनुसूची की जानकारी नहीं होती है। यदि हमने संविधान पढ़ा होता तो हमें 5वीं 6वीं अनुसूची की जानकारी मिली होती कि हमें 5वीं 6वीं अनुसूची में कौन कौन से प्रावधान दिया गया है, कौन से अधिकार दिया गया है। यदि हमें उसकी जानकारी होती तो आज हम इतने पीछे नहीं होते। हमारे समाज के 100% में से 70% लोग इस मूवमेंट को लेके बुराई करते हैं। आज हम ही लोग इस पीले गमछे को डाल के, गले में डाल के यदि गांव से निकलते हैं तो लोग हमें बोलते हैं बड़ा है गोंडवाना वाला। हमें उनसे जलन नहीं आती, उन लोग हमसे जलते हैं, हमसे नहीं जलते, पीले गमछे से जलते हैं। गोंडवाना का मूवमेंट हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। गोंडवाना मूवमेंट ऐसे वैसा मूवमेंट नहीं है। गोंडवाना मूवमेंट को बढ़ाने के लिए हमें तन मन धन से सहयोग करना पड़ेगा। तो हमारा समाज हमें गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन की जो लहर उठी थी 2003 में, हमें फिर से वही माहौल पे तैयार करना है। हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से हम सभी युवाओं को आगे आना पड़ेगा, और हमारे समाज में हो रहे कुरीति और अत्याचार के खिलाफ हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा। दोस्तों बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार। दर्द होता है हमें, कभी हमारे महल अटारी हुआ करते थे, आज हम झोपड़े पे आ गए हैं। हमारा गणराज चाहिए, पहले सोने की चिड़िया कहलाया करता था ये भारत, ये देश, पर अब नहीं कहलाता, भिखारी बन गया है ये देश, कुछ नहीं बचा। ये बात हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हमारे समाज इतना बिछड़ा हुआ क्यों है। मैं गोंडवाना मूवमेंट से जुड़े सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता गणों से कहना चाहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में गोंडवाना संगठन बनाएं,
गौंडवाना संगठन की मुहिम छेड़े, क्या हुआ हम लोग राजनीति में पीछे है तो, पर हम एक दिन वो भी ला देंगे। राजनीति भी हमारी होगी, सत्ता भी हमारा होगा, शासन भी हमारा होगा, प्रशासन भी हमारा होगा। जिसकी भैंस उसकी लाठी, जो डंका बजाएगा उसका डंका ठुकता है। दोस्तों आज हमारा समाज बहुत डरे में रहता है। आज हमारा समाज अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ पाता है। हमारे समाज को हमें जगाना होगा। बहुत सो लिए हम लोगों ने, दर्द होता है हमारे आदिवासियों को देखकर, उनकी दुर्दशा को देखकर। क्या आपको दर्द नहीं होता कि हमारा समाज क्यों बिछड़ा हुआ है, क्यों हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों हम इतने पीछे हैं? हमारे समाज से अदर समाज की बात कर लो, आईएएस आईपीएस बने हैं और हम क्यों नहीं बने हैं? ये सब हमारी आपसी टकराव की वजह से है। आपसी जंजीर का टकराव यह किसी व्यक्ति को खत्म करता है तो यह समाज के किसी संगठन को। इसी प्रकार की भावना को हमारे मन में नहीं लाना है। हमें समाज के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तब हमारा समाज आगे आएगा। कैसे आएगा समाज? हमारे समाज को हमें जगाना पड़ेगा। हमारा समाज सोया हुआ है, हमें उसको जगाना पड़ेगा। और इसको जगाने का काम हमें करना पड़ेगा, हम जैसे युवाओं को करना पड़ेगा। आइए आप सभी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से हम सभी आदिवासी समाज के कोई तुरजनों को एक ही मंच में लाने का प्रयास करते हैं। नहीं तो दोस्तों आज हमारे पास समय है, हमारे पास समय नहीं बचेगा। हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी, वो जनरेशन हम को हम क्या जवाब देंगे? क्या जवाब दोगे आप? क्या बचाए हो आपने? क्या किए हो आपने? जिस समाज ने आपको जन्म दिया, रोटी दिया है, मरने के बाद कंधा दिया है, उस समाज के प्रति हमारा काम करने का फर्ज बनता है। क्या इतना नहीं कर सकते हम? आज हमें करना पड़ेगा। जब से मैंने आँख खोला है तब से गोंडवाना देखा हूं, तब से इस मूवमेंट में जुड़ा हूं। धीरे धीरे आज इस मूवमेंट में जुड़ा हूं और धीरे धीरे अपने समाज के समस्त कोयतूर जनों को जगाने का प्रयास करता हूं। मैंने सुना हूं जीएसयू टीम की बहुत सी बुराई करते हैं। जो लोग पहले गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन टीम के पदाधिकारी हुआ करते थे, आज वही लोग गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की बुराई करते हैं। बुराई करना छोड़िए, आप ये दोगलापन को छोड़िए। आपके इस दोगलापन से हमारा समाज पीछे हो रहा है। यदि समाज के प्रति आप में समर्पित की भावना है तो आपको ये भावना छोड़ना पड़ेगा। आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, तब हमारा समाज आगे आएगा। हमारे समाज में यही तो बुराई है, यही तो दिक्कत है। जो आगे बढ़ता उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उसके पैर पकड़ के उसको नीचे खींचा जाता है। ऐसा समाज है हमारा। हमें तो मोमेडियन समाज से सीखना चाहिए। एक व्यक्ति के ऊपर उंगली उठती है तो 10 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं वहां पे। एकता उसमें है। हमें मुसलमानों भाइयों से एकता सीखनी चाहिए। आज हमें उनके जैसे कि उनके एक व्यक्ति के साथ झगड़ा होता है तो 10 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। हमारे समाज में तो हमारे 10 लोग 10 व्यक्ति वहां पे खड़े रहेंगे पीले गमछे वाले। यदि हमारे एक पीले गमछे वाले व्यक्ति के साथ झगड़ा होता है तो 10 वहां से फरार हो जाते हैं। बोले हमें नहीं पढ़ना इस झंझट में, हमें नहीं पढ़ना पुलिस के केस में। ऐसा नहीं होता। आज आपने उस समाज में जन्म लिया है तो आपका फर्ज बनता है
आपका अधिकार बनता है कि आपको समाज के व्यक्ति की मदद करना चाहिए। साथ नहीं दे सकते तो खड़े तो हो सकते हो, बोल नहीं सकते तो खड़े तो रह सकते हो, स्टेपनी की तरह तो रह सकते हो, पर वो भी नहीं बनता हमारे समाज से। हमारा समाज कहने लायक का समाज बचा हुआ है। हमारा समाज 750 साल पीछे जा चुका है। कैसे लाएंगे हम इसको आगे, कैसे बढ़ाएंगे समाज को आगे? सोचने की बात है। आइए आप सब लोग गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से हम हमारे समाज की आवाज को बुलंद करते हैं। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन टीम आज देश के कोने कोने में छात्रों के हित में काम कर रहा है और समाज के हित में भी। समाज के साथ हो रहे अत्याचार, बलात्कार, इस प्रकार की कुरीतियों से निपटने में, उनकी आवाज बुलंद करने में जीएसयू टीम सहयोगी बन रहा है। हम लोगों ने छिंदवाड़ा जिले में आदिवासी भाइयों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई है और समस्याओं का हल भी हुआ है। यूनिटी इज पावर, पावर इज यूनिटी। जब पांच उंगलियां है, पांच उंगलियां अलग अलग है, यदि हम एक साथ इसको मुक्का बांध के यदि किसी को मार देना, उठ नहीं पाएगा। पर हमारा समाज ऐसा है कि वो एक है तो एक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि हम पांच हैं, दूर दूर खड़े हैं तो पास आ जाए। हमें यूनिटी का पावर नहीं पता, हमें यूनिटी का पावर नहीं पता, और वो पावर हमें दिखाना चाहिए। वो पावर कैसे दिखाएंगे हम? हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो पद तो ले लेते बड़े बड़े पर काम नहीं करते। पर इसमें पद कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। यदि हम समाज के प्रति समर्पित हैं तो बिना पद के हम काम कर सकते हैं। इस मूवमेंट को लेके पद जरूरी नहीं रखता, पद मायने नहीं रखता। आज हम पद में हैं, कल पद में नहीं रहेंगे। आज हमें लोग पद से जानते हैं, कल पद से नहीं जानेंगे। इस प्रकार की भावना नहीं रखने चाहिए। हमें समाज के प्रति काम करना चाहिए। बोलना ही सब कुछ नहीं होता, हमें समाज के हित में काम करना पड़ता है। और आज हमने समाज के हित में निरंतर काम कर रहे हैं। जैसा बनता है वैसा करते हैं हम। रात के 12 बजे 2 बजे हमारे पास समाज के किसी व्यक्ति का कॉल आता है तो हम बिल्कुल अटेंड करते हैं। किस प्रकार की, जिस भी प्रकार की समस्या हो, हम उसका समाधान करने के लिए प्रयास जरूर करते हैं।